मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। आप चाहते हैं कि हम विजय को माफ कर दें, जिसने मेरी और दिनेश की जान लेनी चाहिए? जो तुम कहोगे करूंगा, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। वो यहाँ नहीं आना चाहती, मैं वहां नहीं रह सकता, लगता है अब हम दोनों को अलग ही रहना होगा। अपमान मैंने नहीं तुमने किया है, इस आदमी को घर बुलाकर तुमने इस घर की बेइज्जती की है। अब इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा, उसे मनाने वहां कोई नहीं जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? कुछ नहीं पापा। बेटा बताओ मुझे क्या बात है? तुम सुभाष से मिलने गई थी? मैंने उसे फोन किया था, अब वो वहीं पर रहना चाहता है। उसने कहा कि वो घर लौटकर नहीं आएगा। और तुम वहां नहीं जाना चाहती? क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां पर जाऊं? नहीं बेटा, मैं भी नहीं चाहता। उस लड़के के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन उसे बिल्कुल कदर नहीं है हमारी। आपसे एक रिक्वेस्ट है पापा। बोल बेटा। अब आप उस घर में कभी नहीं जाएंगे। सुभाष के बाबूजी से आप इस बारे में कोई बहस नहीं करेंगे, अब कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है बेटा। हेलो, क्या कर रहे हो? करना क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे हो तो यहां चले आओ, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। अभी कैसे आ सकता हूँ? किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहा हूँ तो क्या बताऊंगा उनसे? कोई बहाना नहीं बना सकते क्या? देखो तुम अभी यहाँ चले आओ, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अगर नहीं आओगे तो रूठ जाऊंगी मैं तुमसे। अरे नहीं नहीं, रूठना मत, मैं अभी आता हूँ। पक्का आ रहे हो? हाँ हाँ, तुम फोन बंद करो और दरवाजा खोलने की तैयारी करो, बस मैं अभी आया। इस वक्त कहां जा रहे हो? क्या मां? मैं तुमसे पूछ रही हूं, इस वक्त कहां जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हाँ हाँ, मेरे को एक बहुत जरूरी काम है, मेरा दोस्त बीमार है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। अच्छा, कौन सा दोस्त? अरविंद, अरविंद मफतलाल। तो तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे वो बीमार है इसलिए। कौन बीमार है? मेरा दोस्त। बाबूजी, परसों रात को भी तूने यही बहाना बनाया था, इसी तरह से छुपते छुपाते जा रहा था। ये कौन सा दोस्त है तेरा जो रोज रोज बीमार रहता है?
बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ। तू किसी बुरी लत में तो नहीं फंस गया ना, जुआ खेलना मुजरा वगैरह? बिल्कुल नहीं बाबूजी। नहीं नहीं, विश्वास नहीं आ रहा। चल जा अपने कमरे में जा। बाबूजी वो पा हंस क्यों रही है, बाद में रोना पड़ेगा, समझ आई तुमने? जी जी मुझे अपना बचपन याद आ गया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहा था सोचा आपसे मिलते हुए जाऊं। अंकल एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है आपसे। नया प्रोजेक्ट? जी बोलो। देखिए यहाँ से करीब 50 मील दूर पर एक 300 एकड़ का प्लॉट दिख रहा है और जो नया हाईवे बन रहा है अंकल वो उस प्लॉट से बहुत नज़दीक से गुजरता है। आज वो ज़मीन मिट्टी है अंकल, कल सोना बन जाएगी। एंड वी मस्ट बाय दैट प्लॉट अंकल। देखिए इस फाइल में सारे रिपोर्ट्स हैं, आप इसे प्लीज स्टडी कर लीजिए। ठीक है सनी, देखते हैं। ठीक है देखते हैं, मतलब अब बहुत ही आधे मन से कह रहे हैं अंकल। क्या बात है, आपका इंटरेस्ट नहीं है कोई नए प्रोजेक्ट में? सनी अगर सच पूछो तो आजकल कोई भी नया काम करने की इच्छा नहीं होती, सब कुछ बेमानी सा लगता है। आदमी रुपए अपने बच्चों के लिए कमाता है और जब वो ही नाखुश हो तो फिर रुपया किस काम का? क्या हुआ अंकल? मैं बहुत परेशान हूं सनी, सोचता हूं कि मॉरिशस वापस चला जाऊं। क्या आप क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? सुभाष से मुझे क्या क्या उम्मीदें थी, सब मिट्टी में मिला दी उसने। पहले तो ऑफिस आने से कतराने लगा था और अब घर छोड़ के चला गया है। रूमा यहां रह रही है, सुभाष वहां अपने घर में। मुझे तो इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। अंकल अगर मैं आपको इस मसले की वजह बता दूं तो शायद आपको हल मिल जाएगा। अंकल प्लीज बिलीव मी, मैं जानता हूं बात क्या है। सुभाष ऑफिस से गायब रहकर कहां जाता है, आजकल अपने माँ बाप के घर में क्यों रहता है, सब जानता हूं मैं। दरअसल सुभाष आजकल फिर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अमिता से मिलने जुलने लगा है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं अंकल, एकदम सच कह रहा हूं मैं। अंकल प्लीज प्लीज रोमा से इसका जिक्र मत कीजिए, बेचारी खामखा परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। ठीक है अंकल मैं तो चलता हूं, आपसे ऑफिस में आके मिल लूंगा। एंड यस मैं आपके बेटे जैसा हूं, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है बाबूजी, आज फिर मुझे आपकी मदद चाहिए। रुपयों की जरूरत होगी? जी बाबूजी, लेकिन अपने खर्चे के लिए नहीं, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। आपसे रुपये मांगते हुए शर्म भी आ रही है क्योंकि मेरी उम्र के लड़के माँ बाप से मांगते नहीं, उन्हें कमा कर देते हैं।
लेकिन क्या कारोबार शुरू करेगा तू? वही जो मित्तल अंकल के साथ रहकर सीखा था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अकेला कर पाएगा? जब ठान ली है तो करना ही होगा। बाबूजी, क्या आप अपने इस बेटे पर एक बार फिर भरोसा करेंगे? करूंगा, और जो मुझसे बन पाएगा जरूर करूंगा। लेकिन अपनी आंसुओं से इंसान की जिंदगी में जिस तरह अच्छा समय आता है ना, उसी तरह बुरा समय भी आता है। जो इंसान हालात का सामना करे वो पुरुष कहलाता है। दोबारा कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर मत करना। ईश्वर ने चाहा तो ये दौर भी निकल जाएगा, समझा? नमस्ते विशाखा जी। अरे नमस्ते का जवाब तो दो। नमस्ते। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, है ना? पता है, तो पूछ क्यों रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये प्यार का गुस्सा है। अगर तुम सच में मुझसे नाराज होती तो इस तरह दरवाजा खुला न छोड़ती। तो ठीक कह रहा हूँ? तुम कल आने वाले थे तो आए क्यों नहीं? मैं घर से निकल ही रहा था कि माँ बाबूजी ने मुझे देख लिया और वापस कमरे में भेज दिया। हमेशा ऐसा ही होगा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार ही करती रहूंगी। शादी होने के बावजूद इस तरह अकेले रहना पड़ रहा है मुझे। अकेली कहाँ हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस वक्त हो, कल जब चाहा तब नहीं थे। मुझे 24 घंटे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे नहीं पता तुम अपने माँ और बाबूजी को किस तरह बताओगे, लेकिन तुम्हें उन्हें बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं बता देती हूँ उन्हें अभी। अरे अरे, ऐसा कदम मत करना। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं उन्हें बता दूंगा। पक्का? पक्का। अब तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ। अभी नहीं, जब सारा मामला सेटल हो जाएगा तब मुस्कुराऊंगी। अच्छा, सब हो जाएगा, सारा मामला सेटल हो जाएगा, ठीक है? अरे एक बार नहीं, 3 बार बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। हाय विजय। बोलो अमिता। अभी तक नाराज हो? जब तुम्हें पता ही है तो फिर पूछ क्यों रही? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तुम्हारी राधा जी ने मेरी बेइज्जती की, मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही, इसलिए नाराज हो तुम? विजय, विजय, राधा के इस तरह अचानक हमले से मैं खुद बौखला गई थी। उस वक्त क्या करती मैं? लेकिन लेकिन बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी हुई है, तब भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस तरह फोन पर माफी मांगने से माफ नहीं करूंगा तुम्हें। तो फिर किस तरह माफ करोगे? मेरे पास आकर मुझे गले लगाकर उसे कहना होगा कि तुम मुझे चाहते हो, तब माफ करूंगा तुम्हें। कब आऊं तुमसे मिलने? जब दिल चाहे। इस दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आज शाम को क्लब में मिलोगे? ठीक है, जरूर मिलेंगे। मैं शाम को तुम्हारा क्लब में इंतजार करूंगा। ओके ओके, बाय। बाय।
बात क्या है बड़े भैया? बताता हूँ, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों वहां जाके खड़े हो जाओ। अरे जाओ तो सही। देखो बात बहुत गंभीर है, तुम दोनों सुनकर एकदम से शॉक्ड मत हो जाना। हाँ ठीक है, लेकिन अब बताइए आखिर बात क्या है? मैंने विशाखा से शादी कर ली। क्या? आपने शादी कर ली? देखा, मैंने कहा था तुम एकदम से शॉक मत होना, लेकिन तुम वही कर रही हो। आपने शादी कब की? दो रोज हो गए, नहीं 6-7, हाँ 8 रोज हो गए। 8 रोज। आपको ठीक तरह से ये भी याद नहीं कि आपने शादी कब की? आपने शादी की या नहीं? हाँ मैंने शादी कर ली। मैंने सोचा था किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब देखता हूँ ऐसा हो नहीं सकता। विशाखा जिद कर रही है कि मैंने बाबूजी को बता देना चाहिए। अब उन्हें बताने की मुझ में तो हिम्मत है नहीं, तुम ही बता दो। मैं बाबूजी को नहीं बताऊंगी, आप ही बता दीजिए। प्रीति प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार उन्हें पता चल जाए फिर मैं उनका सामना कर सकता हूँ। अपनी जुबान से उन्हें ये बात नहीं बता सकता ना मैं। दिनेश तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो ना? हाँ पड़े भैया, लेकिन ये बात तो बाबूजी को बताना हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन लगता है शायद यही ठीक रहेगा। हाँ थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच। तुम लोग उनसे आज ही बात कर लेना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे अब आपको क्या जरूरी काम है? बाबूजी तो थप्पड़ मारने ही वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ तेल वेल पहले से लगा लूं। मैं अपने कपड़े और कुछ सामान वगैरह लेने आया हूँ। सुभाष क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम वहीं रहोगे? फैसला करने का हक क्या सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं? मैंने आज तक जो भी फैसला किया है तुमसे पूछकर किया है, तुम्हारी मर्जी से किया है। अगर हर फैसला मैं अकेले ही करती तो हमारी शादी 2 दिन भी नहीं टिक पाती। तो अब क्या हमारी शादी टिकी हुई है? अलग अलग रह रहे हैं, हमेशा के लिए अलग होने में वक्त नहीं लगता। सुभाष क्या तुम हमेशा के लिए मुझसे अलग होना चाहते हो? मैं नहीं चाहता रोमा, तुम चाहती हो। अगर ऐसा ना होता तो मेरे साथ मेरे घर आने से इनकार नहीं करती। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते थे? अगर ऐसा होता तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जाते, और वो भी लड़ झगड़ कर? अचानक तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है सुभाष, इसकी क्या वजह है? वजह क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। डैडी इसने उस लड़की से वापस मिलना जुलना शुरू कर दिया है जिससे ये शादी करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता। पूछो इसे सच क्या है। सुभाष क्या ये सच है? तुम्हारा डैड जो भी कह रहे हैं वो सब सच है रोमा, भला ये झूठ कैसे बोल सकते हैं? झूठा तो मैं हूं, क्योंकि तुम लोगों की नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं। मेरा मुंह मत खुलवा सुभाष, सच्चाई तो यह है कि तुमने हमारी कदर नहीं की, बल्कि जहां तक हो सका तुम मुझे और मेरी बेटी को दुख देते रहे। अगर मैंने आप लोगों को इतना दुख पहुंचाया है तो फिर मुझे इस घर में रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं आप? क्या आप मुझे यहां एक गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, या फिर यह चाहते हैं कि जिंदगी भर मैं आपके रहमो करम पर पड़ा रहूं और आप मुझ पर हुक्म जताएं? सुभाष निकल जाओ इस घर से, और दोबारा इस घर में कभी कदम मत रखना। किसका पहरा है लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है, फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रूप